हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैंने इस रूम की थोड़ी सफाई की है। ये रूम मेरा बिल्कुल स्टोर रूम जैसे है और इसमें बहुत सा सामान पड़ा है। पहले इसमें मास्टर जी रहते थे, तो काफ़ी दिन से मेरी इच्छा ही नहीं हो रही थी काम करने की इसमें। तो आज मैंने पर्दे वर्दे धो के प्रेस किए और ये ढेर कपड़े रखे हैं जिनको मुझे मशीन में डालना है। तो 6-8 महीने हो गए, मास्टर जी की बोतल भी यहीं पड़ी है, मुझे हाथ भी नहीं लगाया जाता मेरे से उसमें, और उनकी दवाइयाँ भी पड़ी हैं। तो यहाँ पे अथक के बैग वगैरह पड़े। किचन की भी मैंने सफाई की आज। आज सुबह से ही मैं काम में लग रही हूँ और मेरा व्रत है एकादशी का, फिर भी मैं काम में लग रही हूँ। और बारिश इतनी चल रही है हमारे यहाँ 2 दिन से, तो देखिए इतने बादल हो रहे हैं। तो अंदर बैठ के मैंने सोचा चलो काम कर लेते हैं, क्योंकि आज बाहर का काम था नहीं, सुबह से ही बारिश हो रही थी। तो फिर मैं थोड़ी देर छत में भी चली गई थी। देखिए पौधे इतने हरे भरे हो गए हैं, क्योंकि अभी बारिश है ना, तो मुझे पानी देने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। और थोड़ा सा ऊपर आके मैंने थोड़ी सी इंस्टा के लिए रील भी बनाई। इंस्टा पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो मास्टर जी की बहुत याद आई, क्योंकि छत को वो धोते रहते थे, बारिश के साथ साथ छत धो देते थे। और अभी मेरी छत बहुत गंदी हो रही है, तो सफाई करने आई हूँ। 40-40 ME की पड़ी हैं, वो सब उठानी है। तो मैंने कहा सफाई भी कर लूँगी, रील भी बना लेती हूँ और आपको बारिश भी दिखा देती हूँ कि पूरा मतलब हमारे घर के आगे इतना पानी हो जाता है कि घर मेरा बहुत गंदा होता है, क्योंकि अंदर सारा कीचड़ आता है। जैसे जैसे सब ये अंदर आते हैं ना, कभी क्षितिज आया, कभी अथक आया, शिप्रा आई, तो ऐसे करके मेरे घर में पूरे दिन कीचड़ आता रहता है और मुझे सारा दिन सफाई करनी पड़ती है। और बरसात जो है वो रुकने का नाम ही नहीं है, फिर आ जाती है, फिर रुक जाती है, फिर आ जाती है, फिर रुक जाती है। तो सफाई करनी भी थोड़ी मुश्किल सी हो रही थी, तो मैंने अंदर की सफाई सारी आज कर ली थी। और इतना करते करते मुझे 3 बज गई और मेरा व्रत था एकादशी का, तो मैंने कुछ भी सुबह से केवल चाय पी थी, कुछ नहीं खाया। तो अब मैंने सोचा मूंगफली तल लेती हूँ, मूंगफली के जो गोटे होते हैं वो तल लूँ मैं। प्योर इसको साफ़ घी में ही तलती हूँ, जो डब्बे में रखा हुआ घी होता है उसमें नहीं तलती हूँ। तो ये तल के मैं अपने लिए चाय बनाऊंगी, क्योंकि मैंने कुछ भी नहीं लिया है और दवाई भी मुझे लेनी है, चक्कर आने लगे अब तो, क्योंकि जब तक कुछ खाऊं नहीं तो दवाई ले नहीं सकती हूँ। तो बस मैंने सोचा कि अब मूंगफली तल लेती हूँ, और तो कुछ था नहीं, सांवक पड़े थे वो मैं शाम को बनाऊँगी। तो अभी मैंने चाय के साथ मूँगफली तल ली और अब चाय बनाऊँगी। मौसम भी बड़ा प्यारा है, चाय की इच्छा भी हो रही थी और सिर दर्द करने लगा काम करते करते। तो फिर ध्यान आया कि अरे कुछ खाया ही नहीं, व्रत है तो क्या हुआ, कुछ खाऊं तो सही, तब तो दवाई लूं। तो फिर मुझे ध्यान आया कि अरे घड़ी देखी तो 3 बज रही थी। मैंने कहा मरे आज तो कुछ खाया ही नहीं, दवाई नहीं ली, नहीं तो मैं सुबह दवाई ले लेती हूँ, बस नाश्ता करते ही दवाई लेती हूँ। तो आज तो बड़ी भूल हो गई और इस चक्कर में मेरे सिर में दर्द हो गया और थोड़ा दवाई का टाइम भी निकल गया। तो अब मैं चाय बना रही हूँ और आप लोगों को भी पसंद होगी इस मौसम में चाय, किस किस को पसंद है। मुझे तो चाय पकोड़े पसंद है, पर व्रत है भी। मेरी डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा हो रही है, इसलिए मैं बिल्कुल भी चीनी नहीं डाल रही हूँ, ये तो थोड़ी सी चीनी डाल लेती हूँ। भाती तो नहीं है चाय फीकी, लेकिन कोई चीज़ के साथ पी लेते हैं ना तो फिर अच्छी लगती है चाय। तो मूंगफली तलनी है अभी, मैंने आज कुछ खाया नहीं, अभी दवाई लेनी है मुझे और 3 बजने वाली है, तो बस चाय लेते हैं। तो चाय की तो ये जगह बनी हुई है मेरी, बस टेबल में एक बार रख लेती हूँ। और यहाँ पे मैं काफ़ी चीज़ें रखती हूँ, अथक निकाल निकाल के ले जाता रहता है कोई भी ज़रूरत हो तो। एमी से बात कर रही थी मैं, एमी बाहर जाने को तंग कर रही थी, बार बार गीले पैर लाती है, गंदा करती है घर। तो फिर मैंने उसको बैठा दी बांध के। अब जो है बस मैं चाय पीऊँगी और थोड़ा सा रेस्ट करूँगी। मेरी क्या है पीठ दुखने लगती है काम करते करते, तो अकेले चाय तो नहीं बाती, लेकिन आज बेटा अभी आया नहीं मेरा, तो
अब मैं बस थोड़ा सा रेस्ट करूँगी, लेट जाती हूँ थोड़ी देर और मोबाइल चला लेती हूँ, तो थोड़ा सा मोबाइल भी देख लेती हूँ और थोड़ा सा आराम भी हो जाता है। आज नींद नहीं आ रही है ऐसे मौसम में मुझे बिल्कुल भी। तो रेस्ट भी कर लिया, आशप्रा भी आई थी थोड़ी देर, आज वो भी नहीं गई थी क्योंकि बारिश थी और अथक की भी छुट्टी हो गई थी, तो दोनों आ गए थे अभी। तो हम चाय वाय तो वो पी के आई थी, मैंने अकेले ही पी थी चाय और उसका भी व्रत था। तो अब बिल्कुल कोई काम नहीं है और मैं सोच रही, बहुत दिन से एक थैले की कटिंग कर रखी है मैंने। थैले जो बैग होते हैं अपन थैले ले जाते हैं सब्जी वब्जी लाने के लिए, तो वो पैंट के कपड़े का मैंने कटिंग कर रखी है। पैंट पीस जो आते हैं हमारे देन लेन के होते हैं, वो कोई छोटे होते हैं और कोई ख़राब होते हैं, ऐसे ही लोग दे देते हैं, तो वो काम नहीं आते, बन भी नहीं पाते। और वो थैले की कटिंग कोई 2 महीने से करके रखी है लेकिन बना नहीं पा रही हूँ। आज मैं खाली बैठी हूँ तो सोची थैले बना देती हूँ, तो लाऊँ मशीन यहाँ पे लाऊँगी। मुझे यहाँ से क्या है कि यहाँ पे ये लाइट है ना, इसमें मेरे को थोड़ी सुई दिख जाती है। तो थैला मेरा बेटा भी मांगता रहता है रोज़, वो अपने पापा की तरह थैला मांगता है। कैरी बैग वगैरह नहीं, कैरी बैग बाहर से तो खैर मिल जाते हैं जब आते हैं हम कोई चीज़ लेके, लेकिन घर से एक बार ज़रूर थैला मांगेगा, मम्मी थैला दे दो। तो एक थैला है जो बिल्कुल ख़राब हो चुका है, तो अब दूसरा थैला सिल के रखती हूँ। तो मशीन को अंदर लाऊंगी, मशीन मेरी काफ़ी भारी है क्योंकि पुरानी है तो काफ़ी भारी है, लेकिन हाँ मेरी आदत है और थोड़ी अभी गंदी हो रही है, इसको सारी पहुँचूंगी। और इतने मेरे पास अथक आ गया था तो बोला नानी मेरे को कैमरे में मत लो, लेकिन थोड़ा थोड़ा तो वो कैमरे में आपको दिखेगा ही। मैंने उससे बोला कि मैं इतना सीन काट दूंगी जहाँ तू दिख रहा है, तो तू बैठा रहे, बेचारा मेरे पास ही बैठा रहता है, उसका मन बहुत लगता है मेरे पास, तो मेरे पास ही बैठा रहता है। अभी मैंने काट दिया है सीन बिल्कुल, वो लेटा हुआ है, कहता है मेरे को मत लो कैमरे में। तो मैं मशीन को पहुंच रही हूँ, मैंने इसमें तेल डाला है, काफ़ी जाम हो गई, जब इसको मैं नहीं यूज करती हूँ तो ये बिल्कुल जाम हो जाती है। तो इसी तरह हमारा शरीर है कि यदि आप उसको नहीं चलाएंगे तो वो भी जाम हो जाएगा, तो शरीर को अपने चलाते रहें, चाहे आप कितनी ही उम्र के हो जाएं, आप अपने शरीर को चलाते रहें, कोई ना कोई काम करते रहें जिससे कि आपका शरीर चलता रहे। तो शरीर की भी जो मशीनरियाँ हैं वो जाम हो जाती हैं, जिस तरह से ये मशीन होती हैं, कोई भी चीज़ को हम अगर ऐसे ही छोड़ देंगे तो वो जाम हो जाएगा। तो इसलिए चलाते रहना है हमें शरीर को भी, और कोई भी मशीन है या कुछ भी उसे चलाते रहना है, नहीं तो वो काट खा जाती है, मशीन वगैरह तो काट ही खा जाती हैं। और ये तो मेरी बहुत पुरानी है, लेकिन हाँ अब मेरे को मतलब दिखता भी नहीं है पूरा, इसलिए मैं इसको चलाती कम हूँ, बाकी शौक़ बहुत है मुझे। तो ये थैला बस बिल्कुल दो तरफ से ही सिलना था, कटिंग ऐसी की थी मैंने, और ये ऊपर से उलट दूंगी। थैला तो आप सब लोगों को बनाना आता ही होगा, इसलिए मैं इसको पूरा नहीं आपको दिखा रही हूँ, बाकी ये फटाफट बन गया था, मतलब मुझे 15-20 मिनट ही लगे और ये बन गया, और अभी काफ़ी काम आएगा क्योंकि कई चीज़ों में काम आता है, थैला तो होना ही चाहिए। एक और बनाऊंगी क्योंकि कटिंग करा हुआ तो रखा ही है, और बना के रख दूंगी एक जब भी मुझे टाइम मिलेगा, या मूड पर भी मेरे वो करता है कि भाई मेरा मूड होता है ना जिस दिन के आज सिलाई कर लूँ या आज ये काम कर लूँ, उसी दिन मैं काम करती हूँ। नहीं मूड होता है तो मैं सारा दिन ही बेड पे सो जाती हूँ अपने ज़रूरी काम करके। तो आज मेरा मूड सभी कामों का था, तो मैंने सफाई भी कर ली, थैला भी सिल लिया, और अब इसमें मैं ये लगा रही हूँ, इसको क्या बोलते हैं आप, पट्टियाँ लगा रही हूँ। तो इन्हें थोड़ी पक्की लगानी पड़ती है, 3-4 सिलाई इसमें देनी पड़ती, नहीं तो ये टूट जाती हैं और हमारा सामान गिर जाता है। तो थैला मेरा तैयार हो गया है और अभी थोड़ा सा काम, अब किचन में शाम हो चुकी है और बस आ गई मैं किचन। तो आज मेरा पूरा दिन काम में ही लग गया और अब मैं बना रही हूँ सावक, क्योंकि पिछली बार मैंने आपको एकादशी की जो थाली की वीडियो दी थी वो कैसी लगी जरूर बताइएगा। उसमें मैंने सावक के चीले बनाए थे, तो
आज तो मैं सावक प्लेन ही बना रही हूँ, हरी मिर्च डालूंगी और नमक सेंधा डालते हैं वो डालूंगी। और आज मैंने किचन की भी सारी सफाई की थी, सारे कमरों की सफाई की, एक रूम अभी और बचा है वो गंदा हो रहा है, बीच वाला जो रूम है डाइनिंग टेबल अभी उसमें वो, उसमें क्या है कि क्षितिज के क्लिनिक का सामान आता रहता है ना, तो वो पूरा दिन बिखरी रहती है एक टेबल, तो उसको साफ करूंगी, वो कल करूंगी, आज बहुत थक गई। तो आज मैंने थैला भी सिला, पैंट के कपड़े बहुत आ जाते हैं ना, तो वो सिलाने लोग लायक तो नहीं होते बिल्कुल भी, जो अभी सिला है मैंने वो उसमें भी कोई दाग वाग लगा हुआ है, तो काम का नहीं होता है। तब मैं उनके शुरू से ही थैले बना देती थी, पहले भी पैंट के कपड़े के थैले बनाया करती थी और अभी भी बना देती हूँ। अभी तो बहुत टाइम से बनाया मैंने, एक पहले शिप्रा को दिया था पुरानी पैंट का बना के, अभी नए पैंट के कपड़े का बनाया है, तो बस अब मैं ये सावक बनाऊंगी। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा, ब्लॉग बनाऊं या रेसिपी वाली वीडियो बनाऊं, इन दोनों में से आप मुझे बता दो कि मैं कौन सी वीडियो बनाऊं। अगर रेसिपी वाली अच्छी लगती है तो फिर वही बनाऊं, ब्लॉग ना बनाऊं, और ब्लॉग अच्छे लगते हैं तो फिर ब्लॉग में रेसिपी भी दे दूंगी। आज तो मैंने कुछ बनाया नहीं, बाकी मैं ब्लॉग में भी रेसिपी दे सकती हूँ। तो आप पहले मेरे को बताइए कि ब्लॉग के साथ रेसिपी दूं या अलग दूं आपको रेसिपी, तो जरूर बताइएगा। ब्लॉग कैसा लगा ये भी बताइएगा, वीडियो को लाइक करते रहिए, आपके सबके कमेंट बहुत अच्छे लगे। मुनमुन जी आपका कमेंट भी अच्छा लगा, मधुबाला जी आपका कमेंट भी बहुत अच्छा लगा, आपने कहा कि मैं चैनल को जारी रखूं नहीं तो डीमोनेटाइज हो जाएगा, तो इसीलिए मैं थोड़ी थोड़ी वीडियो डालती रहती हूँ कि मेरा चैनल फ्रीज ना हो, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा डालती रहती हूँ, बाकी तबीयत जब ठीक होती है तो मैं वीडियो बना के डाल देती हूँ, मेरी एमी भोगती है। तो आपको वीडियो आज की कैसी लगी, और आप लोगों के कमेंट मुझे बहुत अच्छे लगे और मुझे एक सहारा मिलता है आपके कमेंट से। तो मुनमुन जी, मधुबाला जी और बाकी जिन्होंने भी कमेंट किए हैं मेरी वीडियो पर, उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद, कोई भी बुरा न मानेगा, सबका नाम लेना थोड़ा दिक्कत हो जाती है, भूल जाती हूँ ना, तो सबके ही कमेंट मुझे बहुत अच्छे लगे। ऐसे ही मेरे से प्यार बनाए रखें आप, बहुत आपका प्यार बहुत है, वीडियो चले ना चले आपका प्यार बहुत जरूरी है मेरे लिए। तो आज की वीडियो में इतना है।